सर मुठभेड़ हुई है, किस तरह का अपराधी है और क्या क्या इससे बरामद हुआ है सर? आज थाना टोनिका सिटी और स्वाट देहात टीम के द्वारा संयुक्त रूप से गेट नंबर 3 के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल मुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा ललकारने पर पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। दूसरा बदमाश भागने का प्रयास किया, जिसको पुलिस टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने कब्जे में कर लिया। घायल बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम दिलवर बताया और जो बदमाश पकड़ा गया उसने सुहेल बताया। इन दोनों की मोटरसाइकिल से एक प्लास्टिक का बोरा भी बरामद हुआ। इनके पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ। मोटरसाइकिल भी चोरी की इनकी पाई गई है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि कुछ दिन पूर्व इन्होंने थाना टोनिका सिटी में एक फैक्ट्री से तैयार माल, जिसमें जीन्स और टी शर्ट थे काफ़ी मात्रा में, इन्होंने चुराया था और आज उसको बेचने के फिराक में थे। इनके दो साथी कहीं और भी इंतज़ार कर रहे हैं, जहां वो जा करके और संपूर्ण माल को ले जा करके ये बेचते। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई है। दिलवर के ऊपर लगभग एक दर्जन लूट आदि के विभिन्न थानों में पूरे NCR क्षेत्र में मामले दर्ज हैं। काफ़ी दुस्साहसी किस्म का ये अपराधी है। इनसे और भी गहन पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इनको चिकित्सा हेतु तो घायल बदमाश को हॉस्पिटल भेजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद।